बीजेपी को रोकने के लिए एकजुट होगा विपक्ष। दिल्ली में अपनी पार्टी को राजद में विलय के बाद बोले शरद यादव, तेजस्वी पर जताया भरोसा। मुंबई से पटना लौटे मुकेश सहनी का दावा, बीजेपी ने दिया धोखा, अब करेंगे बोचहा में मुकाबला, माझी को एनडीए में जुटता का अनुमान। बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रजौड़ा में हुए हिंसा के बाद प्रशासन पर उठाए सवाल, कहा न्याय नहीं मिला तो मांगूंगा भी। और बिहार में संदिग्ध मौत का सिलसिला शुरू, बांका भागलपुर मधेपुरा में डेढ़ दर्जन से अधिक लोगों की मौत, प्रशासन ने साधी चुप्पी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, पटना से दिल्ली निकल चुके हैं मुकेश सहनी। दरअसल मुकेश सहनी रविवार को मुंबई से पटना आए थे और उसके महज कुछ देर के बाद वो पुनः दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। तो मुकेश सहनी दिल्ली गए हैं लेकिन उनके जाने के कारणों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है, लेकिन जो बातें सामने आई है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के आला कमान से मुलाकात कर सकते हैं मुकेश सहनी। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं, इसके कई और वजह भी बताए जा रहे हैं। मुकेश सहनी बोचहा की जो सीट है उस पर चर्चा कर सकते हैं बीजेपी के आला कमान से, उनसे मुलाकात के बाद कई सारी स्थितियों पर बातचीत कर सकते हैं। तो रविवार को मुंबई से पटना आए मुकेश सहनी, देर शाम के लिए वो दिल्ली रवाना हो चुके हैं और ऐसे में दिल्ली जाने के दौरान उन्होंने फिलहाल मीडिया से मुखातिब नहीं हुए, मीडिया से बचते नजर आए और दिल्ली के लिए गए। लेकिन क्या दिल्ली जाने के पीछे के जो मकसद रहे हैं, वो मकसद क्या सच में बोचहा की सीट को लड़ने के लिए, या बोचहा की सीट जिस पर बीजेपी ने पहले ही अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, क्या उस पर चर्चा करने बीजेपी के आला कमान से बातचीत करेंगे, जिनसे मुलाकात कर वो पार्टी में आए थे, क्या उनसे एक बार फिर से मुलाकात करने गए हैं और एनडीए में जुड़ता है, कई सारे सवाल हैं। इन सारे सवालों के जवाब अब सोमवार को मिलेगा जब मुकेश सहनी क्या सच में बड़े नेताओं से बातचीत करेंगे या फिर मुलाकात के कई मायने और भी देखे जाते हैं। हालांकि मुंबई से पटना लौटे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जब पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे तब उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है तो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम भी उम्मीदवार उतारेंगे और अगर सहयोगी दल ने भी उतारा है तो दोस्ती वाली फाइट देखने को मिलेगी, बताएंगे। हाँ। और चुनाव मैदान में उतरेंगे, इसमें क्या है, सब स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए। हाँ, उसमें कोई कहने वाली बात है। आपने देखा कि 19 में भी जब हम यूपीए गठबंधन में थे, एक सीट को लेकर हम लोगों ने उपचुनाव लड़ा था सिमरी बख्तियारपुर में, और फिर उसके बाद जब मैं उत्तर प्रदेश जाके चुनाव लड़ सकता हूँ तो बिहार प्रदेश हमारा अपना घर है, तो यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और सब लड़ेंगे, और भाजपा भी अगर वहाँ पे प्रत्याशी दिए तो दोस्ताना संघर्ष होगा। तो बिल्कुल जो कयास लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव का खामियाजा मुकेश सहनी को बिहार में भुगतना पड़ सकता है, अब लगभग वही स्थिति हो गई है, क्योंकि मुकेश सहनी ने वो बातें कह दी कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ चुके हैं तो अब बिहार तो भला उनका अपना घर है। लेकिन ऐसे में जहां एक तरफ बीजेपी से अभी साठ गांठ की तैयारी मुकेश सहनी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ एकजुट हो रहा विपक्ष बीजेपी के लिए मुश्किल बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। ऐसे में देश में केंद्र की बीजेपी सरकार को रोकने के लिए विपक्ष एकजुट हो रहा है, जिसकी तैयारी और अब अमल करने की तैयारी भी देख रही है। और ऐसे में जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए पूर्व सांसद शरद यादव ने अपनी पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल यानी कि एलजेडी का आरजेडी में विलय कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मौजूदगी में नई दिल्ली में आयोजित विलय समारोह के दौरान एलजेडी को राष्ट्रीय जनता दल में मर्ज किया गया है। साल 2018 में जेडीयू से अलग होने के बाद शरद यादव ने अपनी पार्टी बनाई थी, लेकिन उसके बाद उनकी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण फिलहाल वो राजनीति से दूर हो गए थे, लेकिन अब तबीयत ठीक हो गई तो वो विपक्ष को एकजुट करते नजर आ रहे हैं। कई लोगों से उन्होंने अपने तबीयत खराब के दौरान भी बातचीत की, मुलाकात की। इस दौरान लालू प्रसाद यादव से भी बातचीत हुई थी और तेजस्वी यादव से भी बातचीत हुई थी और बिहार से इसकी शुरुआत हो रही है। वही पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने तेजस्वी पर भी भरोसा जताया है। आपको ऐसा लगता है कि ये विलय करके आप बीजेपी को हरा पाएंगे आगामी चुनाव में? नहीं, ये पूरे देश भर के अपोजिशन को एक होने के बाद ही हरा सकते हैं, अकेले कोई एक पार्टी नहीं हरा सकती। एक व्यापक एकता हमका कदम उठाना था तो हमने कदम उठा दिया। कितना भरोसा है आपको तेजस्वी यादव पे, कितना भरोसा है आपको? पूरा भरोसा है,
पूरा भरोसा है और आने वाला भविष्य जो है वो बिहार का तेजस्वी है, तेजस्वी यादव। वहीं विलय समारोह के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्षी दलों ने सरकार से लड़ने के लिए तैयारी में देरी कर दी है, हम लोगों को 2019 में ही साथ रहना चाहिए था, शरद यादव का फैसला हम सबका हिम्मत बढ़ाने वाला है। तेजस्वी यादव ने समाजवादी कहा कि तेजस्वी यादव ने कि समाजवादी जितने भी लोग हैं सभी लोग एक साथ आ जाएं और सांप्रदायिक शक्तियों को देश से बाहर कर सकते हैं। वहीं तेजस्वी ने देश में इन दिनों चल रहे तो कश्मीर फाइल्स के ऊपर भी हो रही राजनीति पर बयान दिया है। हमारे पिता से तो संबंध काफी गहरा रहा, काफी लंबा रहा है, बीच में लोग बिछड़ते रहे, लेकिन आज के दौर में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय LJD की तरफ से लिया गया। सभी समाजवादी ताकतों को हटाओ, मुंह से ही एजेंडा तय नहीं होना है। जनता मर रही है महंगाई की मार से, जनता इधर पटना में रविवार को बिहार दिवस 2022 के कार्यक्रम के आयोजन को लेकर के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने प्रेस वार्ता की। शिक्षा मंत्री ने बताया कि पिछले 2 साल से कोरोना के कारण बिहार दिवस नहीं मनाया जा रहा था, लेकिन इस बार इसे बृहद पैमाने पर मनाया जाएगा। पटना के गांधी मैदान में 22 मार्च से 24 मार्च तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर सरकार ने तमाम तैयारियां कर ली है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार गरीबी के लिए जाना जाने वाला राज्य है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीमित संसाधनों में बिहार का विकास किया है। प्रेस वार्ता के दौरान शिक्षा मंत्री के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार भी मौजूद रहे। आप लोग जानते हैं कि इस बार 3 दिवसीय 22 तारीख को इसकी शुरुआत होगी, 5:30 बजे शाम में यही मुख्य मंच पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन होगा और 24 तारीख को अंतिम दिन 5:30 बजे यही इसी मंच से महामहिम राज्यपाल के द्वारा इसका समापन किया जाएगा। और इस बीच में जो डिटेल या विस्तृत विवरण हम आपके सामने संक्षेप में देंगे, बाकी तो आपको लिखित रूप में ही सब कुछ दे दिया। इधर बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मुस्लिमों की बढ़ती आबादी से डर नहीं लगता, बल्कि कट्टरवादी सोच से डर लगता है। दरअसल होली की रात बेगूसराय के रजौड़ा में मामूली विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 3 लोगों को चाकू मारकर घायल कर दिया। रविवार को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह घायलों से मिलने सदर अस्पताल पहुंचे और उनका हाल चाल जाना। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत कर इस घटना की निंदा की और नीतीश सरकार पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अगर बेगूसराय में हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा तो हिंदू कहां जाएगा। जिला प्रशासन रजौड़ा की घटनाओं में साक्ष्य मिटाने में जुटी हुई है। गिरिराज सिंह ने जिला प्रशासन और नीतीश कुमार से अपील किया कि साक्ष्य मिटाने का काम नहीं करें और न्याय दिलाने का काम करें। उन्होंने आगे कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो वह गांव गांव जाकर भीख मांगने का काम करेंगे। दिल्ली से आया, मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कल दिल्ली से आया और रजौड़ा की घटना पर मैंने चिंता व्यक्त की और जब मैंने कहा कि बेगूसराय में रजौड़ा में अगर हिंदू नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा। मैं देख रहा हूँ कि कल से प्रशासन का रवैया हिंदुओं को तबाह करने का हो रहा है। मेरी पीड़ा यही है। आपके पास ताकत है, पुलिस है, प्रशासन है, समझे और आप साक्ष्य मिटाने के लिए कसम खा लिए हैं। 1 हफ्ता से कांड हो रहा था, आप मूक दर्शक बने हुए थे। हड़वे हथियार से आता है और हिंदू कहां जाएं आखिर। अगर न्याय नहीं मिला तो मैं तो गांव गांव जाकर के भीख मांगूंगा न्याय का। अगर प्रशासन ने न्याय नहीं दिया, दोषियों को नहीं पकड़ा, तो मैंने तय किया है कि मैं गांव गांव जाकर के लोगों से भीख मांगूं और क्या करूं।
अब बात होली खत्म होने के बाद जहरीली शराब की करते हैं। दरअसल होली खत्म होते ही जहरीली शराब का तांडव एक बार फिर से बिहार में देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में मधेपुरा जिला के मुरलीगंज में 4 लोगों की संदिग्ध मौत की जानकारी आई। बताया जा रहा है कि ये मौत जहरीली शराब से हुई। वहीं लोगों की माने तो होली में जहरीली शराब पीने से 22 लोग बीमार हुए थे मधेपुरा में, जो देर शाम तक 8 लोगों की मौत की जानकारी मिली। वहीं दूसरी ओर बांका की अगर बात करें तो बांका में भी 8 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की जानकारी मिली है। कई लोगों का अस्पताल में इलाज भी जारी है। कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। ऐसे में बांका, मधेपुरा और भागलपुर की तस्वीरें देख सकते हैं, जहां होली के बाद यहां मातम का माहौल पसरा हुआ है। यहां पर हर लोग अपनों को खोने का दर्द झेल रहे हैं। ऐसे में भागलपुर की अगर बात कर ले तो भागलपुर में भी लगातार संदिग्ध अवस्थाओं में लोगों की मौत हो रही है। यहां बीते 10 दिनों की बात करें तो अब तक 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और आशंका जहरीली शराब की जताई जा रही है, लेकिन प्रशासन इसकी पुष्टि नहीं कर रहे। देर रात तक साहिबगंज में 3 लोगों की मौत, गोलाघाट में 1 साइकिल व्यवसायी की मौत, जिसके बाद शहर के साहिबगंज सुल्तानगंज सड़क को लोगों ने जाम करके प्रदर्शन भी किया, जमकर हंगामा भी किया। बताया जा रहा है कि जहरीली शराब पीने से साहिबगंज के कुल 3 लोगों की मौत हो गई है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस के देख रेख में शराब की बिक्री होती है। आज खुलेआम दारू बिक रहा है और जहरीली शराब बेच रहे हैं, ठीक है, जिससे हमारे समाज की 4 व्यक्ति का मौत हो गया है, ठीक है, और खुलेआम बेच रहे हैं दारू। यहाँ प्रशासन कुछ नहीं करती है, प्रशासन चुपचाप ताकती है, देखती है। विश्वविद्यालय थाना हमारे SP जो है यहाँ के DM है, देखते हैं। क्यों जाम किए हैं? घटना है कि यह साहेबगंज में सूचना हमें SP साहब के मोबाइल पर फोन करके दिया, उन्होंने फोन नहीं। वहीं इधर भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में जहरीली शराब से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि तातरपुर थाना क्षेत्र के गोलाघाट में 1 साइकिल कारोबारी की मौत के बाद प्रशासन अमले में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार SDM, CTSP और DSP मृतक के परिजनों से पूछताछ कर रहे हैं। एक तरफ जहां मृतक के परिजन शराब पीने से मौत की बात कर रहे हैं, वहीं प्रशासन इसे दबाने में जुटे हुए हैं। दरअसल मृतक जो है विनोद राय की पत्नी पूनम देवी ने खुद कहा कि उसके पति की मौत शराब पीने से हुई है। होली के दिन उसने शराब पिया था, अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उसे मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पानी चढ़ाने के दौरान उसके कुछ देर के बाद उसने दम तोड़ दिया। लेकिन ऐसे में अब पुलिस प्रशासन चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन अब आरोप खुल करके सामने आने लगा है और कई लोगों ने इसको लेकर प्रदर्शन भी किया। आज सुबह इन्फॉर्मेशन मिला था, 2 लोगों की मृत्यु हुई है और मृत्यु का कारण का पता लगाया जा रहा है। अभी दोनों बॉडी को अस्पताल भेजा गया है और एक गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती, उसे भी पूछताछ की जा रही है। सर, परिजनों की माने तो रात में शराब पार्टी हुई थी और शराब पीने से मौत की बात उनके परिजनों का बयान लिया जा रहा है। परिजनों ने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं बताई है और परिजनों का अगर ऐसा करना होगा तो उसको हम लोग फर्द बयान लेकर आगे प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई करेंगे। फैमिली मेंबर्स वहाँ पे अभी उस स्थिति में नहीं है कि कुछ बयान दे पाए, तो और मैक्सिमम फैमिली मेंबर अभी बॉडी के साथ ही है। एक बार जब पोस्टमार्टम वगैरह हो जाएगा, कुल कितने लोगों की मौत फर्स्ट हो जाएगा? देखिए, कुल यहाँ पे एक थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन भी है। जैसे अभी हम लोग इस घर पे आए हैं, इन लोगों का भी बताया जा रहा था, लेकिन उनके परिवार वाले स्पष्ट बता रहे हैं कि उनकी मृत्यु जो हुई थी कल हुई थी और हार्ट अटैक से हुई थी, वो कुछ ग्रसित थे BP के। तो लगातार ये बातें सामने आ रही है। ऐसे में जहां एक तरफ प्रशासन अब भी ये बातें कह रही है कि कन्फ्यूजन हो रहा है, तो दूसरी तरफ अब इस मामले को लेकर के सियासत जारी है। ऐसे में कांग्रेस से विधायक अजीत शर्मा ने इसको लेकर के कहा है कि कहीं ना कहीं अब बिहार में शराबबंदी फेल है, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शराबबंदी कानून को वापस लेना चाहिए और बिहार में 3 गुने कीमत पर शराब शुरू कर देनी चाहिए। पूछना चाहिए आपको माननीय मुख्यमंत्री जी से, हम लोग तो सदन में और बाहर भी कई बार आवाज उठाए हैं कि शराबबंदी पूर्णतः लागू नहीं है, जबकि हम ही लोगों ने सब मिलजुल के सदन में बंद किया था। उनके प्रशासन के पदाधिकारी मिली भगत से शराब आता, शराब में नकली शराब। आप मैं तो परसों भी यहां मौतें हुई है और आपको बताया पूरे बिहार से सूचना आ रही है, गोपालगंज हो, मधेपुरा हो, वहां मौतें हो रही है, कल भी हुई है, आज भी भागलपुर में, बांका में 11 मौतें हुई है, भागलपुर में 5 मौत हो गई है। और यहाँ ये मौतें तो आपको आंकड़ा ये हवा में है, लेकिन सच्चाई ये है कि 100 से ऊपर की मौतें हुई है। पुलिस के पदाधिकारी रोक रहे हैं कि आप बोलो मत कि शराब से मौत हुई है। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, बने रहिए DTV के साथ।
भारत करने जा रहा है चिकित्सकों का सम्मान। बिहार के हेल्थ आइकन्स को हमारा सलाम। पंच परमेश्वर सह बिहार श्री सम्मान के सफल आयोजन के बाद जल्द आ रहा है हेल्थ आइकन्स ऑफ बिहार। हेल्थ आइकन्स ऑफ बिहार में पार्टिसिपेट करने के लिए संपर्क करें विशाल कुमार और पूनम कुमारी को। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। बात होगी सत्ता की, बात करेंगे व्यवस्था की। वादे नारे कहां गुम हो गए जनाब? किसान, मजदूर, नौजवान सब हैं परेशान। बेरोजगारी, पलायन आज भी है बरकरार। कहां तो तय था सड़क से लेकर संसद तक उठाएंगे आवाज, लेकिन अब ना हो परेशान, क्योंकि डीटीवी उठाएगा आपकी आवाज। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बढ़ेंगे आगे और अब बात छपरा की करेंगे। छपरा के मशरक मोहम्मदपुर नेशनल हाईवे 90 पर कर्ण कुदरिया गोपी टोला गांव में रविवार को अनियंत्रित बाइक सवार ने सड़क किनारे खड़े 10 वर्षीय बच्चे को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने बाइक सवार को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जाँच में जुट गई। घर साइड में मैंने खड़ा रहल बाइक लेके तो ले से जात रहल मोटरसाइकिल तेजी में रहल कहीं कौन चीज से टर्निंग पर अपने लेकर मार दला से धाक रहा। इधर बाढ़ अनुमंडल में मलाही गांव में सेल्फी के चक्कर में चार युवक गंगा नदी में डूब गए, जिसमें दो की सकुशल बरामदगी कर ली गई है, लेकिन दो युवकों की तलाश अब भी जारी रही। ग्रामीणों के अनुसार मलाही गांव के चार दोस्त गंगा स्नान करने गए, इसी दौरान दो युवक गंगा नदी में ही सेल्फी लेने के चक्कर में गहरे पानी में उतर गए और डूब गए। घटना की सूचना पर पहुंची अधिकारियों की टीम युवकों की तलाश में जुटी रही, हालांकि देर शाम तक शव नहीं मिले थे। इधर भोजपुर में डूबने से एक 16 साल के युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक स्नान करने सोन में गया था, लेकिन गहरे पानी में जाने की वजह से वो डूब गया। काफी खोजबीन के बाद शव को बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कल मतलब वो लोग जा रहा था नहाने के लिए संदेश सोन में, किसी से बोला नहीं लेकिन सोन में चला गया। उसी क्रम में नहाने के समय में धार मारा, जेसीबी से कटा हुआ था गड्ढा 40 फीट, उसी गड्ढा में जाके गिर पड़ा। निकलने के लिए लोग बच्चा लोग गया, वो भी डूबने लगा, वो लोग पंवर के निकल गया, ही डूब गया। कब मालूम चला था आपको? हमको 2 बजे मालूम चला। कौन बताया आपको? फोन से मतलब गांव का लड़का लोग बताया कि आपका लड़का डूब गया।
इधर मुंगेर में पिछले ढाई साल से इंसाफ के लिए एक युवक दर दर भटक रहा है। पड़ोसी के द्वारा साइबर क्राइम कर अकाउंट से पैसे की निकासी मामले में पीड़ित अक्षय चक्कर लगा रहा है। इस मामले में एफआईआर होने के बाद भी पुलिस कार्रवाई में स्थिरता बरत रही। अक्षय अब तक कई अधिकारियों के दरवाजे के चक्कर काट चुका है, बावजूद इसके उसे न्याय नहीं मिला। उसका कहना है कि न्याय नहीं मिला तो वो आत्मदाह कर लेगा। हम कुछ जमीन बेचे हुए थे, हमारे जमीन का पैसा था 2,20,000 रुपया हमारे निकासी किए हैं सर। कैसे पीपी का खाता बनवा लिया एक टगड़ा वाले को बुलवा के, और उसी को वो पूरा हैक कर लिए थे, और हैक करने के बाद उनके हम एक दिन मोबाइल चार्ज में दे दिए वो, क्योंकि हमारे फेज में लाइट नहीं थे, तो उसी से वो पैसा कारोबार करना चालू कर दिए। इधर पटना के कदमकुआं थाना के पुलिस अधिकारी असलम अंसारी ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर बीते शुक्रवार को गोली चलाने वाले आरोपी रोहित को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने नया टोला शिव मंदिर के पास डीजे पर डांस करते हुए फायरिंग की थी, जिससे एक बाइक सवार को गोली लग गई थी, जिसे देसी कट्टा से फायरिंग की गई थी। उसे आरोपी के घर से भी बरामद कर लिया गया है। इधर राजधानी पटना में होली के अगले दिन मनाए जाने वाले मटका फोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस मटका फोड़ कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों ने जमकर इसका लुत्फ उठाया। इस कार्यक्रम के दौरान मोहल्ले के बच्चों ने कार्यक्रम में शामिल होकर मटका फोड़ा। बहुत अच्छा लग रहा है, आज पहली बार यहाँ पर हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं हो रहा था होली में, इस बार हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। जा रहा है आर ब्लॉक आवासीय प्रांगण में, ये वरुण जी और जितेंद्र जी के अध्यक्षता में मनाया जा रहा है, और ये पहली बार मतलब हो रहा है आर ब्लॉक इस प्रांगण से, जितेंद्र कुमार उपलहड़ी जी की तरफ से भी सहयोग से, और हम भी चार्जकर्ता के रूप में है इस मंदिर से। इधर होली के आते ही दूसरे राज्यों से बिहार लौटने वालों की भीड़ देखने को मिल रही थी, तभी तस्वीरें अब बदलने लगी है। अब लोगों का वापस जाना भी शुरू हो गया है। पटना जंक्शन पर अभी भी यात्रियों के वापस जाने का सिलसिला जारी है। होली में लोगों को घर आने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, वहीं वापस जाने के लिए भी यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेनों में दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों के लिए टिकट नहीं मिल रहे हैं। क्या टिकट लेने का है तो बोला कि डब्बा खाली नहीं, सीट नहीं है। क्या सीट नहीं है? सीट नहीं है। हाँ, कौन किस दिन का टिकट लेना था? आज का ही लेना था। अब खबरें उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में हरियाली पर आरा चलाने का वन विभाग का काम बदस्तूर जारी है। शहर से लेकर गांव तक आरा मशीनों पर प्रतिबंधित लकड़ियों का जखीरा लगा हुआ है। आरा मशीन मालिक लकड़ी की चिराई के अलावा फर्नीचर का भी काम करते हैं। विद्युत विभाग को भी चूना लगा रहे हैं, क्योंकि अधिकतर मालिकों ने दिखाई के लिए इंजन लगा रखा है, लेकिन लकड़ी की चिराई बिजली चोरी से ही होती है। नियमानुसार लकड़ी चिराई का मासिक रजिस्टर मेंटेन होता है, होना चाहिए था, लेकिन नहीं होता है। अधिकतर के पास वह भी नहीं है। जिले में जितनी आरा मशीनें वैध हैं, उससे ज़्यादा अवैध आरा मशीनों से लकड़ी चिराई का काम चल रहा है। इधर जौनपुर के भंडरिया मोहल्ले में शराबी पति ने अपनी ही पत्नी की गर्दन पर चाकू से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई है। कस्बा मरियाहू के भंडारी टोला में एक 30 वर्षीय युवती, उसका रुखसाना नाम है, उसके पति इस्लाम ने उसकी चाकू से गर्दन रेत कर हत्या कर दिया। रात में ये लोग आपस में पंचायत करते रहे, पुलिस को कोई सूचना नहीं दी। आज दिन में जानकारी मिलने पर मैं मौके पर गया, घटनास्थल का निरीक्षण किया, मौके पर पाया गया कि उसकी निर्मम हत्या की गई, जिस पर थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया, शव को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम कराया। इधर सुल्तानपुर के रेवाड़ी गांव में ब्लॉक प्रमुख राहुल चंद्रशेखर शुक्ल की अध्यक्षता में होली मिलन समारोह संपन्न हुआ, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान कलाकारों ने एक तरफ होली गीत गाकर प्रस्तुति दी, तो वहीं सेना के जवान कैसे देश की रखवाली करते हैं उस पर भी मंचन और प्रस्तुति दी। सुकुमार सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष, वो भी अभी आके गए हैं।
काफ़ी जिला पंचायत सदस्य, काफ़ी ग्राम प्रधान और BDC बहुत सारे लोग उपस्थित हुए कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और कार्यक्रम शाम को 6 बजे हर साल की तरह इस बार भी होली स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया है मेरी ग्राम सभा रेवाड़ी में, और गांव के जितने भी सम्मानित लोग हैं सभी लोग, क्षेत्र के कई प्रधान BDC इसमें शामिल हुए। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। फिलहाल मुझे और मेरी सहयोगी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।